कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ बेहद खतरनाक कैदियों को हवाई जहाज से एक दूसरी मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में ले जाया जा रहा था, जिसे खास इसी तरह के खतरनाक अपराधियों के लिए बनाया गया है। एक के बाद एक हम बेहद खतरनाक गुनहगारों को देखते हैं, जिनमें आतंकवादियों से लेकर पेशेवर हत्यारों तक सभी शामिल थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद हमने देखा कि ग्रिसम नाम के एक कैदी ने अपने हाथ की खाल में एक पिन घुसा रखी थी। उसने उस पिन का इस्तेमाल करके अपनी हथकड़ियां खोल दी। दूसरी तरफ पार्कर नाम के एक कैदी ने अपने मुंह से धागा खींचना शुरू किया। अंदर से एक छोटी सी थैली निकली, जिसमें एक माचिस की तीली और एक छोटी मिट्टी के तेल से भरी डिब्बी थी। ग्रिसम का इशारा पाते ही उसने वो तेल वाली शीशी खोलकर अपने साथ बैठे कैदी पर छिड़क दी। देख बीड़ू, अगर तू बच गया ना तो पर्सनल मत लियो यार, ठीक है। इसके बाद पार्कर ने वो माचिस की तीली भी जलाकर उस पर फेंक दी। आग लगने से जेल के कर्मचारियों का ध्यान भटक गया और उसने मौका देखकर कैदियों के सेल्स की चाबियां चुरा ली। उसने जल्दी से चाबी का इस्तेमाल करके गेट खोल दिया। उस लोहे के पिंजरे से एक खतरनाक कैदी बाहर आया और उसने अपनी हथकड़ियों का इस्तेमाल करके गार्ड को तो ठिकाने ही लगा दिया। गार्ड्स ने भी कैदियों को काबू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मौका देखकर ग्रिसम भी बाहर निकला और वो जल्दी से एक गार्ड पर हमला करके जहाज के कैप्टन के कैबिनेट तक पहुंच गया। कोपायलट ने अपनी बंदूक से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और ग्रिसम के हाथों मारा गया। उसकी बंदूक लेकर वो कैप्टन के पास पहुंचा और उसकी कनपट्टी पर रखकर कहा कि वो ये रिपोर्ट करे कि मौसम में गड़बड़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है, ताकि जमीन पर किसी को प्लेन में क्या चल रहा है कुछ पता ना चले, क्योंकि पूरे जहाज में सिर्फ उसके पास बंदूक थी। तो ग्रिसम ने जल्द ही जहाज को हाईजैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया। जहाज पर पो नाम का एक कैदी भी मौजूद था। दरअसल पो पहले फौज में कैप्टन हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब एक शराबी उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को परेशान कर रहा था, तो उसने गुस्से से भरकर गलती से उसे जान से ही मार दिया, जिसके बाद उसे 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। जेल में होने की वजह से वो अपनी बेटी का जन्म तक नहीं देख पाया। जेल में उसके अच्छे बर्ताव की वजह से अब उसे समय से पहले ही रिहा किया जा रहा था। वो तो बस जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में इस फ्लाइट में आ गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो इस जहाज पर देश के सबसे खतरनाक अपराधियों के साथ फंस जाएगा। सभी गार्ड्स को पकड़कर कैदियों की जगह बंद कर दिया गया और ग्रिसम ने सभी कैदियों की हथकड़ियां खोलने के ऑर्डर्स दिए। लेकिन हथकड़ी खुलते ही एक कैदी ने अपनी छुपाई हुई बंदूक निकाली और ग्रिसम के एक खास आदमी को बंदी बना लिया। दरअसल ये आदमी एक अंडरकवर पुलिस वाला था, जो कैदी बनकर उन सबके बीच रह रहा था। पो ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि भाई शांति से काम ले, कोई फायदा नहीं है, इतने लोगों से थोड़ी लड़ सकता है तू, लेकिन वो नहीं माना और बदकिस्मती से ग्रिसम के हाथों मारा गया। अब पो सोच में पड़ गया कि आखिर वो इस जहाज से जिंदा बाहर कैसे निकल पाएगा। इसके बाद ग्रिसम के कहने पर हवाई जहाज को एक दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल में उतारा गया, जहां उन्होंने कुछ गार्ड्स के बदले एक बहुत बड़े गैंगस्टर के बेटे को अपने साथ ले लिया। इसके बाद उन्होंने एक और बूढ़े कैदी को अपने साथ ले लिया, जो प्लेन उड़ाना जानता था। उसने जल्द ही जहाज के कैप्टन की जगह संभाल ली और प्लेन का रेडियो ट्रांसपॉन्डर भी बाहर फेंक दिया, ताकि उनका एयरलाइन वालों से कोई कनेक्शन ही ना रहे। ग्रिसम जहाँ जाता था मानो दहशत उसके साथ चलती थी। उसने एयरफील्ड पर मौजूद एक गार्ड को गोली मार दी और जेल में भी एक बॉम्ब लगा दिया था, जिसके फटने पर कई लोगों की जान गई। उनका जहाज फिर से उड़ चला। बाकी कैदी तो काफी खुश थे, लेकिन वो कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। वो किसी न किसी तरीके से पुलिस को इस बारे में बताना चाहता था। वो ग्रिसम से मिला और उससे पूछा कि वो सब अब कहाँ जा रहे हैं। मंजिल की ओर जाते हुए उनका प्लेन अचानक नीचे की ओर जाने लगा। ग्रिसम ने पो को इसकी वजह का पता लगाने को कहा। दरअसल एक गार्ड की डेड बॉडी जहाज के व्हील में अटक गई थी। पो ने उसकी टी शर्ट पर हवाई जहाज के बारे में जरूरी जानकारी लिखी और नीचे फेंक दिया। वो लाश जाकर सीधा एक गाड़ी पर गिरी, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई। उसकी टी शर्ट पर लिखी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने US मार्शल विंस को सारी घटना के बारे में बताया। विंस तुरंत गाड़ी भगाकर उस जगह की तरफ निकल पड़ा, जहां पर उसका जहाज लैंड करने वाला था। स्टोरेज एरिया में कुछ ढूंढते हुए कैदी को पो की रिहाई का लेटर मिल गया। वो समझ गया कि पो अब उनकी तरह कोई कैदी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो ये बात बाकी सबको भी बता दे, अपनी जान बचाने के लिए पो को उसे मारना पड़ा।
थोड़ी देर बाद वो अपने अगले स्टॉप पर पहुंच गए, लेकिन बूढ़े अंकल प्लेन को ढंग से लैंड नहीं करवा पाए और प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई। वहां पर ग्रिसन को उस गैंगस्टर के बेटे का बताया हुआ प्राइवेट जेट नहीं मिला, जिसकी मदद से वो सब यहां से बचकर भागने वाले थे। पो ने मौके का फायदा उठाकर कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस गैंगस्टर के बेटे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, झूठा है साला। इसी तरह बातें बनाकर उसने वहां मौजूद गार्ड्स की भी जान बचाई। जब बाकी के कैदी जहाज को खींचकर क्रैश लैंडिंग से हुए गड्ढे से बाहर निकाल रहे थे, तो पो बड़ी चालाकी से जहाज के अंदर गया ताकि वो अपने एक साथी को बचाने के लिए इंसुलिन का एक इंजेक्शन ढूंढ सके। उसे अकेला पाकर गैंगस्टर के बेटे के कुछ टट्टुओं ने उस पर हमला कर दिया। वो बाकी सबको यही छोड़कर सिर्फ अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से भागना चाहता था। यूएस मार्शल विंस, जो वहाँ पर छुपा हुआ था, मौका देख कर उन पर हमला कर देता है। पो और विंस ने मिलकर सबके छक्के छुड़ा दिए। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो वहाँ फंसे गार्ड्स और अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने वापस बेस में जाने का फैसला किया। दूर से उड़ते धुएं को देखकर कैदी समझ चुके थे कि पुलिस वहाँ आने ही वाली है। ये देखकर वो गैंगस्टर का बेटा वहाँ छुपे प्राइवेट जेट को लेकर सबको धोखा देके अकेला ही निकल लिया, लेकिन वहाँ मौजूद यूएस मार्शल विंस ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो भाग कर उसके आगे खड़ी एक क्रेन में गया और उसे नीचे करके जेट से भिड़वा दिया। इसी वजह से वो जेट पास की बिल्डिंग में क्रैश हो गया। अब ऐसे गद्दार को ग्रिसन जीने कैसे दे सकता था, तो उसने लीक हो रहे जेट फ्यूल में जलती हुई सिगरेट फेंक दी। उसने उस गैंगस्टर के बेटे को जिंदा ही जला दिया। इसके बाद उसने सभी कैदियों को हथियार बांटकर अपनी अपनी पोजीशन लेने को कहा। ग्रिसन की उम्दा प्लानिंग की वजह से कैदियों ने पुलिस वालों का वेलकम जबरदस्त धमाकों से किया। दोनों खेमों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे पुलिस का और बैकअप आने लगा और ग्रिसन समझ गया कि वो किसी भी हालत में जीत तो नहीं पाएंगे, तो उसने सबको पीछे हटने के ऑर्डर्स दिए। उन्होंने जहाज को क्रैश के गड्ढे से बाहर निकाल लिया था। खुशकिस्मती से जहाज अब भी उड़ने की हालत में था, लेकिन पो नहीं चाहता था कि एक भी कैदी बचकर निकल जाए, तो उसने अपनी जान पर खेलकर प्लेन को एक रस्सी से बांध दिया। इसके बाद वो चुपके से स्टोरेज एरिया के अंदर गया और अपने दोस्त और कुछ गार्ड्स की जान बचाई। लेकिन आखिर एक रस्सी इतने बड़े प्लेन को क्या ही रोक पाती। टेक ऑफ करने के बाद जहाज में जश्न का माहौल था। सभी कैदी बहुत खुश थे, लेकिन ग्रिसन को ये नहीं समझ आ रहा था कि पुलिस को उनके प्लान के बारे में पहले से कैसे पता चला। वो समझ गया कि जरूर उनके बीच कोई खबरी है। उसने सबको धमकी दी कि जिसने भी पुलिस को उनके प्लान के बारे में खबर दी है वो सामने आ जाए, वरना वो एक गार्ड को गोली मार देगा। वो आगे आना चाहता था, लेकिन उसे बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़कर कहने लगा कि उसने ये सब किया है, और ग्रिसन ने बिना कुछ सोचे उसे गोली मार दी। इतने में पुलिस का हेलीकॉप्टर भी जहाज तक पहुंच गया और धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। ग्रिसन इस सब से डिस्ट्रैक्ट हो गया और दूसरी तरफ अपने दोस्त को खोने के बाद वो भी गुस्से से भर चुका था। वो एक के बाद एक गुंडों से भिड़कर उन्हें चित करता जा रहा था। उसने पायलट के कैबिन में जाकर उसे जबरदस्ती लास वेगस शहर के पास प्लेन उतारने को कहा, लेकिन हवाई जहाज का एक इंजन फेल हो जाने की वजह से पायलट को शहर के अंदर ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। नीचे धरती पर पुलिस पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। प्लेन के लैंड होते ही पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बहुत सारे कैदी पकड़े गए, हालांकि इस सब का मास्टरमाइंड ग्रिसन उनमें नहीं था। पता चला कि प्लेन के लैंड होते ही ग्रिसन अपने दो और साथियों के साथ एक आग बुझाने वाली गाड़ी में छुपकर भाग गया। पो और यूएस मार्शल विंस ने एक दूसरे को देखा और साथ मिलकर मोटरसाइकिल्स पर उनका पीछा करने लगे। ग्रिसन भी उन्हें रोकने के लिए वाटर गन से हमला कर रहा था। मौका देखकर पो ने छलांग लगा दी और उस आग बुझाने वाली गाड़ी की सीढ़ी को पकड़ लिया और उसकी मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे के हिस्से से टकरा कर ब्लास्ट हो गई। इस धमाके में ग्रिसन का एक साथी मारा गया। वो फायर ट्रक की सीढ़ी से लटका हुआ था। ग्रिसन भी उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश में लगा था। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। एक धमाके के बाद ग्रिसन उछलकर अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट में जा गिरा। वहाँ कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वो एक भारी सी चीज के नीचे कुचला गया।
आखिरकार पो अपने परिवार से मिला जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने एक स्टफ्ड बनी निकाला जो उसने खुद अपनी बेटी के लिए तोहफे के रूप में बनाया था। ये सोच कर कि कहीं उसे वो गंदा ना लगे, वो उसे झाड़ कर अपनी बेटी को दे देता है। वो भी थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब आई और अपने पिता से लिपट गई। आखिरकार वो तीनों एक साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकेंगे।